इस वीडियो के अंतर्गत मैं इस जकूजी के निर्माण को विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा और इसके साथ मैंने वाटर फाउंटेन कनेक्ट किया है कि जब ये जकूजी यूज में नहीं होगा और कोई पार्टी होगी तो सिर्फ आप फाउंटेन भी चला सकते हैं। ये कैस्केड इसके साथ जुड़ा हुआ है। निर्माण का पहला चरण सिविल से है। सिविल में हमने चारों ओर ब्रिक वर्क किया है 4 इंच का, उसके बाद 6 इंच की RCC वर्टिकल में की गई है। ये एरिया हमने रखा है पंप रूम के लिए। इसके अंदर हमारा नोजल का पंप, एयर ब्लोअर और फाउंटेन का पंप आएगा और इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह सारा इसी के अंदर आ जाएगा। कैस्केट का नोजल इस जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, पूरा इस ब्रिक वर्क में छुपा दिया गया है। ये सारी पाइपलाइन वगैरह ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है। इसके अंदर आपको जकूजी नोजल की पाइपलाइन और ये जो छोटे छोटे पाइप बॉटम में दिखाई पड़ रहे हैं, ये एयर ब्लोअर एयर के नोजल यहाँ पर लगेगी। सिविल वर्क के अंदर प्लम्बिंग करने के बाद वाटर प्रूफिंग करना पड़ता है। वाटर प्रूफिंग एक जकूजी या स्विमिंग पूल का प्रमुख पार्ट होता है। अब हमने इसका वाटर प्रूफिंग शुरू कर दिया है। वाटर प्रूफिंग ये चारों तरफ चल रही है, इंटरनल में भी और जो कैस्केड हमने लगाया है उसके अंदर भी वाटर प्रूफिंग हो रही है। वाटर प्रूफिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी स्विमिंग पूल या जकूजी का, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो ये पूरा स्विमिंग पूल का वर्क या जकूजी का वर्क फेल हो जाता है, क्योंकि ये लीकेज करेगा और लीकेज करने के बाद इसको डिसमेंटल ही करना पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। यही एक उपाय है। अच्छी तरह से वाटरप्रूफिंग करने के बाद हमने पानी भर के टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद जहाँ भी इसमें पत्थर लगना था पत्थर लगा करके इसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया। इसके चारों तरफ के एरिया को वर्टिकल गार्डन से सजा दिया गया है। ये आप देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, वर्टिकल गार्डन डिजाइनिंग की गई है। ये जीने के नीचे हमारा पंप रूम है, चारों तरफ स्टील की फेंसिंग की गई है, साथ में ये देखिए हैंडरेल भी लगा गया है। ये बॉटम देखिए, बॉटम में एयर बबल नोजल लगा हुआ है और एल टाइप में जो आप देख रहे हैं ये सेटिंग नोजल है। सेटिंग का एरिया ये है। सामने में कैस्केड लगा दिया गया है, कैस्केड के दोनों ओर लाइट और जकूजी के अंदर भी ये लाइट फिट कर दिया गया है। जकूजी का सिविल पार्ट कंप्लीट हो गया है। सिविल पार्ट देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा, दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दिया है, अब इसको हम टेस्ट करेंगे, पंप को चलाएंगे और देखेंगे नोजल कैसा वर्क कर रहा है। पंप को स्टार्ट कर दिया गया है, नोजल मूव कर रही है, नीचे एयर बबल भी मूव कर रही है, अच्छा काम कर रहा है। अब हम इसमें और थोड़ा सा पूरा पानी भर करके इसको टेस्ट करेंगे। जकूजी के अंदर पूरा पानी भर दिया गया है। पानी भरने के बाद जकूजी इस तरह से चल रही, नीचे एयर बबल भी चल रहा है, साइड से सेटिंग नोजल और सामने कैस्केड भी चल रहा है। ये जो देखिए बगल में पुश बटन है, इस पुश बटन से पंप ऑपरेट होता है। ये देखिए पंप को बंद कर दिया गया है, ये पंप बंद हो गया। इस पुश बटन के द्वारा ही लाइट और सभी नोजल्स के पंप स्टार्ट होंगे और ऑफ भी होंगे। सारा कंट्रोलिंग इसी पुश बटन के पास है। एयर ब्लोअर चलाना हो, सेटिंग नोजल का पंप चलाना हो या कैस्केड चलाना हो, आप इसमें इंजॉय करते रहें और यहीं से ऑपरेट करते रहें। ये सारा वाटर प्रूफ है। हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।